आज बनाते हैं पनीर भुर्जी। और ये पनीर भुर्जी हम बनाएंगे घर के पनीर से। हम घर ही पे पनीर फाड़ेंगे। और पनीर फाड़ने की विधि अगर आपको जाननी हो डिटेल में, तो हमने यहाँ पर लिंक दे दिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर भुर्जी का मसाला। पैन को गरम कीजिए और इसमें हमने डाला कोरिएंडर सीड्स 1 टेबल स्पून। इसे थोड़ा सा रोस्ट करिए। अब डालिए जीरा 1 टीस्पून, इसे भी हल्का सा रोस्ट कीजिए। अब डाला हमने 1 बड़ी इलायची, जिसे काली भी बोलते हैं, 1 बड़ी ब्लैक कार्डमम। और साथ में हमने डाला 2 लौंग। जिस मसाले को भुनने में जितना टाइम लगेगा उसी सिक्वेंस में मसाला डाल रहे हैं। और अब हमने डाली 1 टीस्पून गोल मिर्च, ब्लैक पेपर। मसाला जलना नहीं चाहिए, इसलिए बी वेरी केयरफुल। अब हमने डाला इसमें नमक और फिर डाला 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। सभी को मिलाकर अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है, हल्का रोस्ट करना है। और अब इसे मिक्सी में डालकर इसे पीस लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार है। इस मसाले को आप दूसरी सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं। इतना मसाला नहीं लगेगा, 1 चम्मच लगेगा, और बाकी मसाले को हम स्टोर करके रखेंगे। पैन लीजिए और इसमें डालिए ग्राउंडनट ऑयल, 1/2 चम्मच ही डाला है हमने, और 1/4 स्पून डालिए मस्टर्ड ऑयल। ध्यान रखिए इससे ज़्यादा घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब डालिए कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, साथ में थोड़ा सा जीरा, फ्राई लिटिल। और अब डालिए कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा नमक। इसे अच्छी तरह पकने दें। ऐड करें 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। इन मसालों को हमें अच्छी तरह पका लेना है। थोड़ा चलाने के बाद आप हल्का सा पानी डाल दीजिए। मसाला अच्छी तरह पक जाना चाहिए, इसे थोड़ा सा भून लें। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने स्पेशल पनीर भुर्जी का मसाला बनाया है, 1/2 से 1 चम्मच आप वो मसाला डाल दीजिए। मसाला तैयार है। अब हमें बस इसमें छेना डालना है। छेना हम ग्रेटर से इसलिए डालते हैं कि उसके लम्स नहीं आ जाए। ये हमारा होममेड छेना एकदम सॉफ्ट है, देखिए। और अब डालिए खूब ढेर सारी धनिया पत्ती। पनीर डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो पनीर जो है फिर चुभी हो जाएगा। देखिए मसाले का रंग सफ़ेद, आपके पनीर का रंग, और हरा रंग जो है धनिया पत्ती का रंग है। तो ओवरऑल बहुत ही कलरफुल न्यूट्रिटिव डिश बन के तैयार हुई है। वैसे कवर करके 5-6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि जितनी भी इसमें फ्लेवर्स है सब मिलके एक साथ फ्लेवर्स विल कम टुगेदर। और रेडी है आपकी पनीर भुर्जी। इसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लंच में सर्व कर सकते हैं। आप चाहिए तो इसको ब्रेड के बीच में स्टफ करके आप इसका स्नैक्स भी बना सकते हैं। सो इट हैज़ वेरीड यूज और बहुत ही न्यूट्रिटिव है, स्पेशली अगर घर के छेने से बनाए। कुक हेल्दी, ईट हेल्दी, and stay healthy. Thank you.